दोस्त क्लास 11 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है दोस्त, बोलता पानी के 360 ग्राम रिप्रेजेंट करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्त ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा 1.2 ग्राम 10^25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आखिर इसका ऑप्शन नंबर डी ही क्यों करेक्ट, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए दोस्त, ऑप्शन में यहाँ पे मोल मोल का यूज किया गया, मतलब को नंबर ऑफ मोल पहले निकालना पड़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल का। तो हम जानते हैं दोस्त कि नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास। तो मास किसका निकालना है हमको, वाटर का। तो हमें लिखेंगे मास ऑफ वाटर बटा नीचे में हो गया हमारे दोस्त मोलर मास ऑफ वाटर। तो पानी का मास हमको दोस्त क्वेश्चन में दिया गया, पानी का मास है 360 ग्राम, तो वाटर का मास 360 ग्राम है, तो ऊपर में लिख दिया 360 ग्राम। अब पानी का मोलर मास निकालना है। सर ये मोलर मास क्या होता है? देखिए दोस्त, एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, और मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल है, मोलर मास का यूनिट होता है आपका ग्राम, चाहे ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हमको वाटर का निकालना पड़ेगा। तो वाटर दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मिलकर बना हुआ है। जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है, नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 हमारा इवन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवन नंबर होता है तो उसको 1 का डबल कर देते हैं, तो 8 का डबल करेंगे तो हो जाएगा दोस्त 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था तो यहाँ 1 लिख दिए, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। अब हमको दोस्त ऑक्सीजन के पास आना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ 16 लिख दिए, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए, तो 16 में 2 जोड़ दिए दोस्त, तो योग्य मेरा 18। अब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का यूनिट होता है मेरा ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त 18 ग्राम पर मोल। अभी दोस्त ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया आपका राम राम, नीचे में 18 ऊपर में 360 है, तो 18 × 36 मतलब मेरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो हो गया 20 दोस्त। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल नीचे से ऊपर गया तो बन गया मोल, यहाँ पर आ गया मेरे दोस्त 20 मोल। नंबर ऑफ मोल निकाले दोस्त तो आया मेरा 20 मोल। अब इस 20 मोल को मैं एक्सप्लेन करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों, 20 मोल को हम दोस्त लिख सकते हैं 20 गुना, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10^23, तो एक मोल का वैल्यू हो गया मेरा 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 20 है, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10^1, 10^23 है 10^1, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो 23 में एक जोड़ दिए पावर दोस्त, तो हो गया मेरा 10^24। यहाँ पर छूछे दू बच्चा छूछे दू लिख दिए, यहाँ बच गया 6.022 × 10^24। अब देखिए दोस्त 6.022 को 2 से गुना करते हैं, 2 × 2 हो गया 4, यहाँ पर दिए 4, 2 × 2 = 4, तो फिर 4 लिख दिए, 2 × 0 = 0, यहाँ पर 0 लिख दिए प्यार की धुन, 6 × 12 यहाँ पर लिख दिए 12, 1 2 3 तीन अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 तीन अंक के बाद दे दिए दोस्त डेसिमल पॉइंट, 10^24 है दोस्त, यहाँ पर लिखिए 10^24। अरे दोस्त इस डेसिमल पॉइंट को हमको साइंटिफिक नोटेशन बदलना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को दायां से उठा के बायां एक अंक दोस्त आगे ला रहे, योग्य मेरा 1.2044 गुना। तो जब डेसिमल पॉइंट को एक अंक आगे लाते हैं दोस्त पावर में एक जोड़ते हैं, 10^24 में एक जोड़ दिए तो ये मेरा 10^25। तो देखिए दोस्त यहाँ पे पानी के 360 ग्राम रिप्रेजेंट करने वाला निम्नलिखित में से जो स्टेटमेंट सही है, वह स्टेटमेंट है हमारा दोस्त 1.2
0.44 गुना 10 का पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्त ऑप्शन नंबर 4 फुल एलजी क्या हो गया करेक्ट।